पैकिंग हो गई लगन, तुमने वो प्रिंटेड टी शर्ट तो नहीं रख दी है? लखनऊ जा रहे हो, गोवा नहीं जा रहे हो? ओए लखनी, कल से हम लोगों ने काम स्टार्ट किया है और आज मैं उसका व्लॉग ले रही हूँ, वो मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी। और हमारे साथ जा रहा है गुची भी। हम आए हैं यहाँ पर खाना देने, फिश यहाँ पर कम दिख रही है क्योंकि वहाँ पर लोग ऑलरेडी फीड कर रहे हैं। सारा अपना काम खत्म करके ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई लखन के पास क्योंकि लखन को पैकिंग करनी है। पता नहीं आप लोगों को पता है नहीं पता, लखन को जाना है लखनऊ। अरे नीचे होंगे सारा, किसके जूते? मॉम नमस्ते, किसके जूते नहीं मिल रहे मॉम? मेरे। मैं सामान लगा रहा हूँ ना, तू तो नहा धो के आ गई। तू तो नहा धो के आ गई, बिल्कुल पैकिंग कर ली तुमने? पैकिंग अभी चल रही है। तो इसके नहाने से क्या ले? मैं कह रहा हूँ फिर भी नहा ली यार। लगन ने तो हल्ला मचा रखा था कि 9 बजे निकलना है, 8:30 तो इधर ही हो गए। लगन नहाने में 5 मिनट लगते हैं, सूखा नहाता हूँ। साबुन नहीं लगाते? सूखा नहाता हूँ, ऐसे बस पानी देख लेता हूँ, फील कर लेता हूँ। मम देख लो, मम्मी ने सिखाया है। बाथरूम में नहा कर पानी को ऐसे खा लिया था। मॉम अब सूखा भी मार देंगी। भाई नमस्ते। भाई आप ऐसे फेस लेकर आए, मुझे लगा आपका पेट थोड़ा सा गड़बड़ है। आदमी की तरह पेट हो गया भाई मेरी तरह, फिर तो आपका रोज ही रहेगा। मैं अभी देखना शीरो क्या करेगा। शीरो, शीरो गुची, गुची कहाँ? शीरो मॉम खुश हो जाएगा अभी देखना। शीरो गुची नीचे है, नीचे पागल। चला जाए लखन के रूम में। पैकिंग हो गई लखन, तुमने वो प्रिंटेड टी शर्ट तो नहीं रख दी है? नहीं। लखनऊ जा रहे हो, गोवा नहीं जा रहे हो, याद रखना इस बात को। चेक कर लूँ मैं, कुछ हटा भी दूंगी थोड़ी देर में। अभी हम लाइव जाने वाले हैं अमेजोन पर और मुझे बड़े डर लग रहा है। हमारा थोड़ा सेटअप चेंज हुआ है, पहले सामने था, अब हमने यहाँ पर कर दिया। सो फाइनली हम पहुंच गए लखनऊ में। ये है मेरा रूम, ये हूँ मैं और मैं हूँ एकदम रेडी। अब यहाँ मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना, मुझे सीधा निकलना है अभी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम पहुंच चुके हैं कान्हा स्टेडियम और यहाँ पर होने वाला मैच। मैच शुरू होगा 7:30 बजे लेकिन हम 5:30 आ चुके हैं क्योंकि मैं टीम के साथ आया हूँ। और टीम बस, मतलब इतना मजा आया टीम बस में क्योंकि हम होटल में जब बस में बैठे सीधा डायरेक्ट यहाँ पर आकर उतरे। हम पूरा रास्ता पुलिस ने क्लियर कर रखा था क्योंकि प्लेयर्स की सिक्योरिटी ऑफ कोर्स वो प्रायोरिटी रहती है। लेकिन एक अलग फील, अलग लेवल का यहाँ पर माहौल और इतने सारे सपोर्टर्स यहाँ पर स्टेडियम के बाहर हैं जो कि तिरंगा लेके हाथों में अपने गालों पर अपने पर तिरंगा बनाया हुआ है। बहुत अमेजिंग माहौल और नारे लग रहे हैं, पता है, भारत माता की जय वाले। जिस दर से हम आए, इधर से शायद आपको दिखेगा नहीं लेकिन मेरे को अंदर का माहौल दिखाता हूँ स्टेडियम का कैसा रहेगा। सो फाइनली वी आर एट दी स्टेडियम और माहौल आप देख सकते हो बिल्कुल सेट है और अंदर चल रहा है प्लेयर्स का वार्म अप। कॉइन टॉस अभी होने वाला थोड़ी बहुत देर में, उसके बाद आप देखोगे लाइव एक्शन। खैर आपने टीवी में मुझसे पहले देख लिया होगा। सारे बोर्ड लग चुके हैं, लास्ट मैच में आपने देखा था बाउंड्री रोप्स नहीं थे तो अभी यहाँ पर बाउंड्री रोप्स भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि इसके बिना ना सुना सुना पंचा लगता है ना। अगर आप टीवी पे मैच देख रहे हो और आपको दिख रहा है बाउंड्री रोप्स नहीं है तो बहुत अजीब फील होता है। आप देख सकते हो सारे प्लेयर्स यहाँ पर, उधर से क्राउड ने शोर करना स्टार्ट कर दिया है, सारे प्लेयर्स इधर वार्म अप कर रहे हैं। ऑन द बिग स्क्रीन मैच नंबर 2 मणिपाल टाइगर्स वर्सेस भीलवाड़ा किंग्स। ये यहाँ पर डगआउट रेडी है जहाँ पर वैसे ड्रेसिंग रूम अंदर होता है लेकिन मीनवाइल जब मैच चल रहा था तो प्लेयर्स सारे इधर आके बैठते हैं ताकि इजीली यहाँ से ग्राउंड के अंदर जा सके और एक एक्सेस रहे ग्राउंड का। आई डोंट नो कि कौन टॉस जीता क्योंकि मैं इधर वीडियोज़ बना रहा था। फ्रेंड्स अभी मैच बिल्कुल शुरू होने वाला है, मैं जाके जल्दी से अपनी सीट्स ले लेता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये मैच मैं खड़े होकर देखूँ पूरा टाइम क्योंकि भीड़ आ चुकी है और मैं नहीं चाहता वो वाली सीट्स ऑक्यूपाइड हो जाएं। यहाँ 2 स्टैंड्स कम खोले हैं, जो आप पीछे वाले देख रहे हो वो 2 स्टैंड्स बंद है। जहाँ पे लोग बैठने वाले वो है जहाँ मैं जा रहा हूँ, अभी आपको जाके दिखाऊंगा नज़ारा वहाँ का। तो गाइस मैच स्टार्ट हो चुका है, इरफान भाई वाली टीम पहले फील्डिंग कर रही है और मैं अभी देख रहा था इरफान भाई अगर मुझे मिल जाते मैं पक्का बुला के 2 बाइट तो लेता लेकिन मैच के बाद उनसे पक्का मिलूंगा। बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अमेजिंग माहौल बन रहा है यहाँ पे यार। एक तो डे नाइट मैचों में ना ये दिक्कत है, इतने कीड़े मकड़े हो जाते हैं ना यहाँ पर। गाइज ये है प्रोडक्शन रूम, जो आप मैच देखते हो वो सब यहीं से डिसाइड होता है कब कौन सी स्क्रीन आपको टीवी पे दिखाई जाएगी। बहुत हैक्टिक काम है यहाँ का। फ्रेंड्स 4th ओवर चल रहा है, 15 रन है, 4 विकेट गिर गए। मुझे लगता है होटल आज बहुत जल्दी जाना पड़ेगा, रन ही नहीं बन रहे यार। तो यहाँ पर स्टेडियम की सारी लाइट्स ऑफ कर दी है और लोगों को बोला गया अपनी फ्लैश लाइट्स जलाने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ डिफरेंट दिखने को मिला ये। तो फाइनली फर्स्ट इनिंग ओवर हुई और अच्छे खासे रन बन गए यार, जैसा मुझे लग रहा था ना देख के कि 3-4 विकेट जल्दी गिर गए कि ऐसा ना हो लो स्कोरिंग मैच हो मेरा आना बेकार हो जाए। लेकिन उस हिसाब से बहुत अच्छा स्कोर बना और अब पूरी फाइट चल रही है मैच में। मेरा डिनर हो चुका है यहाँ पर और अब मैं एंजॉय कर रहा हूँ सेकेंड इनिंग्स। आपने तो ऑलरेडी देख ली होगी, मज़ेदार है मैच यार। हाय गाइस गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह हमारी गुड मॉर्निंग हो रही है फिश पे और यहाँ पर डक भी आ जाती, कल हम लोग जब देखने गए थे तो डक भी आ गई थी तो बड़ा ही अच्छा लगा। मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ का शॉट में लेने देती क्योंकि सुधीर कल गुची को लेकर आ गया और गुची यहाँ पर मतलब डॉग्स अलाउड नहीं है इधर तो थोड़ी दिक्कत हुई। और ये रास्ता कितना सुंदर है। और कल लखन जब से वहाँ पर लखनऊ में है तब से एक बार भी फोन नहीं किया, एक बार मतलब हद होती है, इतना बिजी भी कौन होता है यार। आज धूप नहीं है इसलिए सारी फिश ऊपर है। ये आटे की गोलियाँ हैं
जो ये बहुत पसंद करती है खाना। एक बहुत बड़ी भी है ना सुधीर, सुधीर ने देखी है, दो बड़ी बड़ी भी है, दिख नहीं रही है। कहाँ है सांप? गए अंदर पानी में। इसमें सांप भी बहुत है, मुझे कहाँ पर है मुझे तो पता, इधर इधर। गाइस आप अगर आपको दिख रहा तो प्लीज देख लेना, मुझे तो नहीं दिख रहा, मेरी दूर की नजरें कमजोर है। इतना सुंदर लग रहा है देखो ये लेक। यहाँ पर फिश, एक ऐसी सेल्फी लेनी चाहिए मुझे। हमने खिला दिया है खाना, अब इसमें पेट्रोल नहीं है, भरवा कर आना पड़ेगा। चलो, और ये पेट्रोल नहीं डीजल है, और लखन ने बोला कभी तो पेट्रोल डलवा मत दियो इसमें। और यहाँ पर मेरे खूब सारे पिंपल्स आ गए, पता नहीं क्यों आ रहे हैं यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। खैर ये तो एक पार्ट है लाइफ का, तो मैं इतना माइंड नहीं करूंगी। और एक दिक्कत हो गई, मैंने लखन का कार्ड कहीं खो दिया या लखन ने अपना कार्ड कहीं खो दिया है, और लखन जो है मेरा कार्ड लेकर चले गए, तो यार मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सुधीर कहीं मेरा कार्ड मिले, मेरा नहीं लखन का, मेरा कार्ड तो गया, लखन का कार्ड मिले तो बताइए। ठीक है, तो ये कितना खुश है, इसमें भी खुश है, इसमें खुशी की क्या बात है, इसमें दुख की बात है, कार्ड खो गया। तो मेरा होगा 10 बजे से काम स्टार्ट, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कार चला रही हूँ, कितने आराम से बैठी, क्यों ना मॉम से और डैड से मिलकर आ जाऊँ उससे पहले, और फिर मुझे आज दिल्ली भी जाना है, तो पहले मॉम और डैड के दर्शन कर लिए जाए। और सबसे पहले मैं मिलूंगी सोनी दीदी से, और वो यहाँ पर नहीं है, मैं उनको दुखी करूंगी। सोनी दीदी के दर्शन नहीं हो पाए ठीक से, अब हम मिलेंगे अपने पाइगर मॉम से। कुछ को मिला गला है मॉम, हमारा शीरो का बहुत मन है गुची से मिलने का। शीरो गुची 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 आगे नीचे नीचे गुची, मॉम इसको पागल बना देती है। मिल रहा है गुची से नीचे बाबू, देख कैसे पाए शीरो पागल बन जाता है। तुम क्यों पागल बनाते हो इसका, तू लेके ही नहीं आती, मतलब इसे ले जा चल आज, इसे मिला खिला। ठीक है, बिजनेस की बातें चल रही है उधर, इसे यहाँ से बाहर निकल आई। अब हम देखते हैं लखन के रूम में, लखन के बिना ये रूम ऐसा लगता है, इग्नोर हिम। लखन के रूम में क्या कर रहा है तू? मेरे भाई का रूम में बैठा हूँ। चल निकल। और लखन का कितना क्लीन हो गया ना लखन के जाने के बाद, है वरना हमेशा ये ब्लैंकेट फैला रहता है। मॉम वैसे हर चीज का ध्यान रखती है ना, मानना पड़ेगा यार ये तो। और देखो वो मेरी और लक्सू की फोटो किसी ने हमें गिफ्ट की थी, ये पजल है वैसे बहुत ही सुंदर है, इसमें मैं बहुत लखन बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है। मैं तो हूँ, खैर ओ गॉड कहाँ जा रही हो तुम? वैसे लखन भैया का रूम इतना ही क्लीन रहता है, इसका मानना है वैसे लखन भैया का रूम इतना ही क्लीन रहता है, ये मैं नहीं मान सकती, क्योंकि लखन का काम है सामान फैलाना, वहाँ पर भी आप देखते होंगे घर पर मेरे वाले में। वो आपका काम है, आप फैलाती हो, आपका रूम दिखा दो कपड़ों वाला, उधर जाके जाओ। अगर आप फैशन कर रहे हो वीडियो शूट तो ऐसा ही होगा, फैशन कर रहे हो फैशन की वीडियो बना के कपड़े उतार के यूं कौन फेंकता है चप्पल के कपड़े, दिखाओ वो सच्चाई दिखानी पड़ेगी भाभी आपको। झूठ मैं नहीं बोल रहा, झूठ आप। मुझे यहाँ पर आना मेरा मेन पर्पस पता है क्या था, मकसद पता है क्या था, कि मुझे लखन की अलमारी ठीक करनी है, बट अभी मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगी, मैं किसी को लेकर आऊंगी साथ में, लाइक सुधीर को लेकर आऊंगी, ताकि मैं लखन की अलमारी बिल्कुल साफ कर पाऊँ। इतनी गंदी है, और लखन की टी शर्ट आई मीन वो प्रिंटेड वाली टी शर्ट जो होती है ना, जो गोवा में बीच में पहनी जाती है मोस्टली, वो लखन को पहनना बहुत पसंद है, इसलिए वो मैं छुपा दूंगी। मॉम मेरा हम तीनों का प्लान बना है कि उसको हम छुपा देंगे कहीं पर, अब वो कहाँ पर वो किसी को नहीं पता चलेगा। मॉम आप भी यही गाना गा रहे थे, मैं भी अभी यही गाना गा रही थी। आपने वीडियो नहीं बनाई इस गाने में, क्यों आज बना? चल आज आपके इस गाने में वीडियो बनाई है। तू बनाया इस गाने में? नहीं मैं तो अभी फेसबुक पर लगी हुई हूं। लेकिन तुझसे बात नहीं करी रास्ते, तो तेरा तो दिल टूटा ही हुआ। सच में तो लगी कैसे वीडियो कॉल कर दिल और ये वाला गाना गाओ। मैं अभी यही बोल रही थी कि रूम कितना क्लीन है, लखन तो नहीं करता, लखन तो मखेल देता अपना साथ, है ना। मैं यही कह रही हूँ अभी बहुत क्लीन है रूम। कैसे वहाँ, ये आपका कमाल है, लखन का कमाल है। क्या लखन गया हुआ, अगर लखन होता तो सारा बखेर देता। नहीं आपने क्लीन करवाया ना, ये बोल रही हूँ करवाया मैंने, आप ऐसी हो जाएगा। हाँ ये ब्लैंकेट हमेशा फैला रहता है, जैसे सोनी जी के रूम में रहता है ना, मैम हमेशा एक कोने पड़ा रहता है। मॉम की आज गोलू वीडियो बनाएगा, कौन सी मॉम? दिल किसी का टूटे है, गा दो। क्या करोगे मॉम इसमें? जैसा कि हमने डिसाइड किया था लखन के कुछ कपड़े छुपाने का, तो वही मैं कर रही हूँ। कुछ खराब नॉट है, लखन को प्रिंटेड टी शर्ट बहुत पसंद है, तो ये ओ यार इसमें तो टाग लगा है, ये तो पहनी नहीं है, बट ये छुपानी पड़ेगी, क्योंकि यार ये वेदर गया यार, ये हम बीच में थोड़ी रहते हैं, हद है, गोवा में रहते हैं हम, तो ये सब छुपानी पड़ेगी मुझे। ये वाली सरोज दीदी ने बाकी की रख दी है छुपा के। ये अच्छी है, ये कितने अच्छी अच्छी कलर की है। हम करण के सामने, करण को भी ये बात पता है, इंदिरा ये क्या है, हम लखन की ये सारी प्रिंटेड छुपा रहे हैं, क्योंकि लखन को गोवा वाली वाइब्स चाहिए होती है, वो हम उसे छीन रहे हैं। ठीक है, ये सारी हमने हटा दी है, ये तो नहीं, खैर ये सारी हमने लखन की टी शर्ट हटा दी है। लखन अगर ये तुम देख रहे हो तो तुम याद रखो ये सब नहीं मिलने वाले तुमको। ये गोलू, ये सब गोलू ने छुपाई है, मेरा कुछ काम नहीं है, आपका है सब कुछ, सब गोलू ने छुपाई है, मेरे ऊपर कोई नाम नहीं लगाएगा। करण को भी अपनी शर्ट्स मिल गए हैं, करण ढूंढ ली तुमने? चार पांच, यहाँ पर तो दो ही दिख रही है मगर और कहाँ है, और शॉर्ट्स भी है। यार लखन के लॉन में कौन रख देता है ये सब, है ऐसे ही होता है जब सेम साइज होता है ना, तो यही होता है। हो गया भाई, बस हो गया, बस इसको सब ले जाना है, होता है हमारा काम खत्म। आए हैं आपके प्यारे बहादुर भैया से मिलने के लिए, सबको हेलो बोल दो, बोलो हेलो। हेलो, कैसे हो सब लोग?
कैसे हो सब लोग? हम अच्छे हैं, आप कैसे हो? हम अच्छे हैं, आप कैसे? फादर वे आर बेस्ट हैं। हाय सोनी दीदी, कैसी हो आप? इतना स्टाइल मारने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। सुनो, जो आपने जितना मेकअप किया है वो कहाँ से किया है? मेकअप क्या होता है? ठीक है, जो अंदर रखा है वो सब मैं ले जा रही हूँ। ठीक है, कुछ नहीं रखा अंदर। सोनी दीदी आज मेरे साथ रुकने वाले, क्योंकि लखन नहीं, आज पूरा दिन आप मेरे साथ रहोगी। ठीक है दीदी? मेरी तरह खाली नहीं हो, मेरी तरह अगर काम करने लगी ना पागल हो जाओगी, समझी? मॉम और सोनी दीदी जा रहे हैं कहाँ, ये तो इन्हीं दोनों को पता है, मुझे भी नहीं पता। हम चलते हैं पाई और मॉम के पास दोबारा और मिल के आते हैं दोनों से दोबारा। आप कहाँ जा रहे हो? आपको कहीं नहीं जाना, घर पर बैठो, चलो अंदर चलो। यहाँ पर हमने खूब खाना खा लिया, मॉम पाई मैंने, आज जबरदस्ती पाई ने मुझे 2 रोटियां खिला दी और मैंने कितने टाइम कितने महीनों के बाद रोटियां खाई है, पता नहीं ये ओपन क्यों है, मुझे नहीं पता। हम चलो बना लो, गोलू मॉम की वाली वीडियो बना रहे हैं। कौन सी मॉम? बहुत मजा आया, लास्ट ओवर तक मैच गया तो बहुत सुपर था। अभी मुझे नींद आ रही है, आंखें मेरी लाल हो चुकी है, मैं सीधे ऐसे भाग रहा हूँ होटल रूम और जाके सो गया।